नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। कहीं हार को लेकर मंथन है तो कहीं सरकार बनाने को लेकर चिंतन। बात अगर देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की करें तो यहां बीजेपी को खासा नुकसान हुआ है। 80 सीट जीतने के दावे के बीच 50 का आंकड़ा भी नहीं पाया जा सका, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा को इस चुनाव से संजीवनी मिल गई है। विपक्ष के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं और सरकार बनाने के दावे करते नजर आ रहे हैं। हमारी टीम ने कल परिणामों के बाद आज सपा कार्यालय की स्थिति का जायजा लिया, जहां लोगों ने अपनी अपनी राय बताई। जब मेहनत की जाती है तो परिणाम सामने आते हैं, और कुछ ऐसे ही परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए आए हैं। वो परिणाम इतिहास बनाने वाले, वो परिणाम जो बताते हैं कि अगर मेहनत की जाएगी, रणनीति बेहतर रहेगी, नीति बेहतर रहेगी, तो जनता साथ भी देती है। जनता की ने यहाँ पर साथ दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो साथ दिया है वो परिणामों के रूप में सामने है। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खां मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वास्तव में ये क्या नीति रही, रणनीति रही है, वास्तव में जनता ने यहाँ पर दिखा दिया है कि हम किसके साथ हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कुशल प्रबंधन और नेतृत्व के साथ साथ जो PDA की रणनीति, वो बिल्कुल काम आई। हम लोगों ने जनता के बीच में कहा कि भाजपा तानाशाही लाना चाहती है और संविधान और आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। जनता ने उस पर भरोसा किया और हमारे उनके भरोसे को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये हम लोगों की कहीं ना कहीं रणनीति रही जो टीम इंडिया के साथ में, वो काम आई। पर यहाँ पर आपने कहा कि रणनीति रही टीम इंडिया के साथ में आई, पर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मेहनत बहुत की गई थी, उम्मीद जता रही थी, सपा प्रमुख बोल रहे थे कि 79 सीट जीत कर आएंगे, पर 79 सीटें यहाँ पर नहीं, 36 सीटें यहाँ पर मिली हैं। गठबंधन का मान ले तो यहाँ पर 43 सीटें मिली हैं। 80 के आंकड़े 79 के आंकड़े पीछे रह गए, क्या मानते हैं? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों का टारगेट था 79 का, लेकिन हम लोगों ने ज़मीन पे यकीनन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत करी है। इस धूप और गर्मी को ना देखते हुए इतनी रैलियां हम लोगों ने करी, इतने नेताओं को हम लोगों ने मोबालाइज़ किया, हम लोगों की मेहनत रही। फिर भी हमें इस बात की खुशी है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत की तीसरे नंबर की पार्टी आज के डेट में। इस बात के लिए हम जनता को धन्यवाद देते हैं और अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को के साथ इतना मेहनत कराई और उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन काम आया। जनादेश आया है कैसे? जनादेश या सरकार बनाने के लिए है या विपक्ष में बैठने के लिए? जनादेश यकीनन कहीं ना कहीं ये तानाशाही और अहंकार के विरोध का जनादेश है, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन अपनी बैठक करेगा, उसके बाद ये तय करेगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग ये चाहते थे कि जो तानाशाही व्यवस्था वो ख़त्म हो, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, वो कायम रहना चाहिए। तो अब लोकतंत्र की रक्षा हो गई है, लोकतंत्र बचा है, इस बात से हम सब लोगों को खुशी है। ठीक है, लोकतंत्र बचा है, यहाँ पर खुशी है। और हमारे साथ कुछ और साथी भी, उनकी राय भी जान लेता हूँ। बड़े गुस्से में खड़े हैं, पर गुस्से का नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुस्सा अलग बात है और बोलना अलग बात है। क्या बोलेंगे भाई? प्रचंड जीत की बात, जनादेश की बात, व्यवस्थाओं की बात। ये जो रोजगार है, सबसे मेन मुद्दा रोजगार, उस पर लोगों ने वोट दिया है। हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो नौकरी है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, इस पर नौजवानों जो है गुस्सा होंगे, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। पर यहाँ पर जनादेश की अगर बात करें तो यहाँ पर समर्थन की बात करें तो यहाँ पर जो गठबंधन है NDA गठबंधन, उसको यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। क्या देखते हैं, सरकार उनकी बनने जा रही है? क्योंकि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सीट उनके पास मजबूत है, आपकी क्या राय है? हमारी राय यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है दिल्ली में। अच्छा। जहाँ तक है, सरकार इंडिया गठबंधन की बनने वाली। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बैठक चल रही है और वहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये भाई साहब और खड़े हुए हैं, हरे रंग की टी शर्ट पहने, इनकी राय भी ले लेता हूँ। क्या बोलेंगे भाई सरकार के लिए? सरकार जो है इंडिया गठबंधन बनाएगा। अच्छा। नीतीश जी को बर्बाद करने वाले, चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजने वाले, वो इनके साथ जाएंगे। अच्छा। दोनों ने कहा तो है प्रधानमंत्री बनाइए, हिम्मत हो तो मोदी जी को बनाइए प्रधानमंत्री। अच्छा। और दूसरी बात, जो इनके घटक दल हैं वो भी नहीं चाहते कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा। वो चाहते हैं किसी दूसरे को बनाइए, इनके हिम्मत हो तो बना के दिखाएं, हिम्मत हो तो इनके बना के दिखाएं। ये है कहाँ बहुमत में? ये तो सबको जोड़ के और तोड़ के इनके पास है ना, ये बहुमत में है कहाँ? कहाँ सरकार ये बना लेंगे?
और जो दूसरे दलों ने कहा है जिनके साथ जदयू को खत्म करने वाला ये मोदी तो है, और कौन है? ये नीतीश कुमार इनके साथ जाएंगे? तेजस्वी यादव के साथ वो फ्लाइट पकड़ के गए, खेला होगा? खेला हुआ कि नहीं होगा वो तो देखने वाली बात होगी, पर चूंकि यहाँ पर अगर नीतीश कुमार की बात करें तो इंडिया गठबंधन की जो बैठकों का दौर शुरू हुआ था उन्होंने शुरू किया था, पर बाद में इंडिया गठबंधन को छोड़ के यहाँ पर बीजेपी के साथ आ गए थे। देखिए नीतीश कुमार को ऐसे ही नहीं चाचा कहा जाता है, पलट जाते बार बार, वो पलटते नहीं है। उनको मालूम था कि हमको कैसे अगली बार सरकार इंडिया की बनाना है, उनको लगा होगा कि भाई इनके साथ लड़ेंगे तो हमारी सकता सीटें ना आ पाए, तो उन्होंने जैसे मोदी जी करते हैं ना, तो मोदी जी जैसे समझते हैं कि मेरे ही पास दिमाग है बाकी दुनिया में दिमाग तो है नहीं किसी के पास, तो उनसे बड़े बड़े पुराने नेता हैं वो सब, उनको मालूम था कि कैसे हमको चुनाव लड़ना है, कैसे सरकार पलटना है, तो ये समझ रहे थे बस हमारे पास दिमाग है बाकी कोई समझता नहीं है। तो नीतीश कुमार जी करेंगे कुछ, और जो आदमी उनकी पार्टी खत्म किया हो उनके साथ जाएंगे। बड़े अंदर की बात है, पर यहाँ पर अंदर की बात ये भी है कि अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में बीजेपी की सीटें जनता दल यूनाइटेड की ज्यादा है, उसके बावजूद यहाँ पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, इस बात को भी याद रखना होगा। हमारे एक साथी और खड़े हुए, क्या बोले जरा? व्यवस्थाओं को, जनादेश को, बड़ा अलग जनादेश आया है, विपक्ष का भी और यहाँ पर सत्ता पक्ष का भी, क्या देखते हैं? नहीं देखिए, सत्ता पक्ष तो जो है एकदम अपने मद में चूर था जी। और जिसका जवाब इस देश की जनता ने उन्हें 272 से नीचे ला करके दिया है। जो मोदी जी 400 पार का नारा दिए थे, आज वो 230 और 240 में सिपट गए। चुनाव आयोग को साथ रखते हुए भी जगह जगह जो झगड़े हुए, जो काउंटिंग को लेकर के सवाल उठाए गए, इन सवालों के बावजूद, इतने के बावजूद मोदी जी जो है 272 का आंकड़ा नहीं पार पाए, कर पाए जो 400 पार का नारा दिए थे। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश में ये काम हुआ, वो PDA का जो नारा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो नारा कामयाब रहा। और इस देश और इस प्रदेश के युवाओं ने अग्निवीर की योजना में जितने युवाओं की का जो दर्द था वो खुल के वोट के रूप में आया है, जो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का नंबर एक का पार्टी बनाया है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात लगी। भैया और खड़े हुए, इनकी राय भी जान लेता हूँ। मुस्कुराते बोले, नहीं बोलेंगे? अरे वो बात की उन्होंने, तो हम लोगों ने बहन जी का साथ इसीलिए छोड़ा। चलो ठीक है, जो PDA अखिलेश जी ने बनाया था, हमने देखा बहन जी लड़ी नहीं पा रही। अच्छा। उनका कोई मतलब नहीं है, उनको वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। अच्छा। तो इससे बढ़िया जब अखिलेश जी पिछड़ा दलित, बीजेपी अलग है, BSP अलग है, एक है क्या? अरे एक ही तो है, उनको वोट देने मतलब खराब करना अपना वोट। अच्छा। ना वो जीतेगी ना PDA को जीतने देंगी, तो मतलब क्या है उनका? उनको वोट देने जाएगी, बीजेपी BSP एक ही है। कह रहे भैया खड़े हुए हैं, अब हमें देख के, अरे बोल लीजिए, अरे ना, अरे बोल लीजिए, चलो ठीक है, बोल लीजिए, चलो ठीक है। और थोड़ा और टहल लेता हूँ, और साथी भी है, मित्र उनसे राय ले लेता हूँ। भाई क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक व्यवस्था है, ऐतिहासिक निर्णय। अब निर्णय लेने के लिए सभी गठबंधन की लोग दिल्ली में बैठक करने के लिए गए हुए हैं। अभी निर्णय शाम तक आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, पर जनादेश को कैसे देखते हैं? जनादेश ने अपना मत देकर सभी को दिखा दिया कि जनादेश क्या चाह रहा है, किसी के सामने अब छुपा नहीं रह गया। ठीक है, तो जनादेश क्या चाह रहा है यहाँ पर दिखा दिया है। भाई साहब और खड़े हुए हमारे साथ, इनकी राय भी ले लेता हूँ। छोटी छोटी राय जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जनता की अलग अलग राय होती है। क्या राय है जनादेश को? देखिए, हम इस जनादेश का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने जो ये प्यार और ये दुलार और सम्मान समाजवादी पार्टी को दिया है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA के नारे से जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी को जोड़ने का काम किया था, टिकट के बंटवारे में जो सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ किया था, जिसको देखकर और ये यहाँ की मतदाताओं ने इतना उत्साह से वोट किया है समाजवादी पार्टी को, और यही नहीं भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का भी काम किया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्यार और दुलार गठबंधन को मिला है, निश्चित तौर पर देश के अंदर भी अभी कुछ ही क्षणों में आप देखिएगा, एक या दो दिन के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार देश में भी बनते दिखाई देगी। जिस तरह से यहाँ पर मुद्दे उठाए गए थे, क्या मानते हैं मुद्दों का चुनाव था इसलिए यहाँ पर बदलाव हुआ है, बीजेपी को नुकसान हुआ है? बिल्कुल, मुद्दे का ही चुनाव होता है, चुनाव तो मुद्दे का ही होता है। जिस तरीके से छात्रों के और नौजवानों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव किया, जिस तरीके से महिलाओं के साथ भेदभाव किया, किसानों के साथ भेदभाव किया, और जिस तरीके से पूरी तरीके से जो ये बुलडोजर के प्रशासन चलाते थे, बेवजह एनकाउंटर करना, बेवजह फर्जी मुकदमे लिख देना, ये जनता देख रही थी। और समय आने पर उसने अपना निर्णय बताया, इस भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया, और निश्चित तौर पर आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से भी साफ होने का काम करे। तो जनता देखती है, जनता निर्णय देती है। एक साथी और खड़े हुए हैं, बड़े गुस्से में है, गुस्से में नहीं, चलो ठीक, गुस्से मत होइए, बोल लीजिए, क्या बोलेंगे भाई? बड़ी ऊर्जा से परिपूर्ण है, बोलिए। नहीं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों को और भारत
के लोगों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां जिस तरीके से थीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के गरीबों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं ने वोट किया। इस बार जो चुनाव हुआ, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो चुनाव किस बेस पे लड़ रहे हैं। अच्छा। जो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अच्छा। उन्हें लग रहा था कि हम 400 पार कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो बहुमत जुटाने के लिए भी सक्षम नहीं हो पाए। अच्छा। यहाँ तक कि प्रदेश में वजह क्या रही? वजह गरीबी, सीधी सी बात महंगाई, बेरोजगारी, और उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े स्टेट में पेपर लीक हो जाना छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यही सबसे बड़ी वजह रही कि छात्रों और नौजवानों ने बढ़ चढ़ के इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक एक वोट डाला है। और इस तानाशाही हुकूमत सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। तो युवाओं ने वोट नहीं दिया, यहाँ पर लोग हैं ना, और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी राय भी जान लेता हूँ। लंबे समय से यहाँ पर लगातार संघर्ष करने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या बोलेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? जो जनादेश आया है, कैसे देखते हैं? जनता के जनादेश, जनता के मैंडेट का हम लोग स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और अपने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के एक एक कार्यकर्ताओं, एक एक नेताओं को मुबारकबाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ इस 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने का काम किया और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। आपको लगता है कि यहाँ पर जो सीटें आई हैं इंडिया गठबंधन की, अगर थोड़ी दिन पहले और मेहनत होती, थोड़े समय पहले और रणनीति बनती, इंडिया गठबंधन थोड़ा पहले और सक्रिय हो जाता, तो यहाँ पर जो जादुई आंकड़ा है वो भी पार कर जाती। देखिए, 37 सीटें हम लोग जीते हैं, ये सीटें कम नहीं है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि हम लोग थोड़ी मेहनत और करते तो शायद रिजल्ट और अच्छा होता। लेकिन मेहनत में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई भी नेताओं ने कमी नहीं छोड़ी है। पूरी मेहनत के साथ एक एक वर्कर ने बूथ लेवल पर काम किया है, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का काम किया है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लड़ाने का काम किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने 37 सीटें हम लोग जीत करके आए। कितनी बड़ी संजीवनी मिली है 2027 के चुनाव के लिए? 2027 में हम लोग 300 सीटें जीत करके यहाँ गवर्नमेंट बनाएंगे, ये संजीवनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर बोला है कि जो 27 चुनाव आने वाला है वो यहाँ पर 300 सीट जीत कर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संजीवनी मिल गई है, यहाँ से सीटें निकली हैं, उसके बाद से यहाँ पर ऊर्जा आई है, ऊर्जा यहाँ पर व्यवस्थाओं को बताती है, ऊर्जा यहाँ पर लोगों की उन व्यवस्थाओं को भी बताती है कि यहाँ पर लोग क्या राय है। खैर, अभी और लोग की राय जानते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं और उनकी राय भी जान लेते हैं कि लोगों का कहना क्या है, उनकी राय भी जान लेते हैं कि आखिर में जनता चाहती क्या है, और उनकी राय भी जान लेते हैं कि जो जनादेश आया है वो जनादेश किस तरफ है और जनादेश के मूल्य क्या है। खैर, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, एक बहन जी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर झंडे बेचती हैं और तमाम काम करती हैं, तौलिया भी बेचती हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि कार्यालय वही है, वहीं बैठना भी पड़ेगा। कैसे देखती जनादेश? सब बढ़िया बैठिए, पहले नमस्कार जी। कैसे देखती जनादेश? बहुत अच्छा है, सब कुछ जो हो रहा बहुत अच्छा। देखिए, जनता जो है एकदम इस बार वोट डाली है और बहुत बढ़िया जा रहा है। हम जैसे पटरी वालों के लिए सबका वोट पड़ा हुआ है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लोग परेशान थे। मेरी खुद की भी बेटी है, इंटर पास कर चुकी है, अब समझ लीजिए कि पैसा ना होने के कारण हम उसकी पढ़ाई नहीं करवा पा रहे, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। अब पहले इतनी महंगाई नहीं थी, इसीलिए बहुत जो भी होता बहुत बढ़िया होता है। और राहुल जी और सब लोग जो मिल के सब काम किए हैं, ये सब हम लोगों को फ़ायदा होगा। आज के ज़माने में कोई किसी को एक रुपये नहीं देता, ये 8,500 रुपये देने कहा है, उसके बाद राशन भी बढ़ाने कहा, उसके बाद इन्होंने कहा पेंशन बहाल करेंगे और भी चीज़ों के लिए कहा, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मोदी जी ने खाली जुमला कहा, हम लोगों को सड़क पे ला दिया, हमारी दुकानें टूट गई थी, बुलडोजर चल गया था, सर घुटा के हम बैठ गए थे, आज हम रोड पे आ गए। अच्छी खासी टीन शेड की दुकान थी, लेकिन आज हम रोड पे बैठे हैं। लेकिन कुल मिला के हम लोग बहुत खुश हैं जी, हम लोग बहुत खुश हैं। हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पर जो नीतियाँ हैं वो यहाँ पर हावी रही हैं, और एक साथी और बैठे हैं, इनकी राय भी जान लेता हूँ। और अब नेता हो या साथी हो, एक ही बात है, हमारे साथी हैं, नेता समाजवादी पार्टी के हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अंजना, ओम कश्यप, सुधीर चौधरी को छोड़कर सभी को बधाई, धन्यवाद। अरे ये कौन सी बात है भाई, है ओम कश्यप, सुधीर चौधरी छोड़कर सबको बधाई, सबको बधाई, जितने भी चरण हैं भारत में सबको बधाई है कि नहीं आपको? अरे मैंने बोला ना सबको, आपने गरीबों को दिखाया, किसानों को दिखाया, उनकी महिलाएं जो यहाँ पे आग लगा लिया था विधानसभा के सामने, उनको दिखाया। ये उत्तर प्रदेश का आईना है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाह को जिस तरह से फैलाया था, आपने उस जड़ों को ख़त्म करने में हमारी मदद की, पीडीए को आगे बढ़ाने में आप मदद की, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, राहुल जी को मजबूत करने में आप लोगों ने मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं दारा सिंह यादव हूँ मोहनलालगंज से, और मैं बता दूँ कि जो पीडीए का नारा हम लोगों को माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था घर घर तक पहुँचाने में, आदरणीय लोटन राम निसास के साथ मैं चला हूँ। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हार मिली। जो राम को लाने को कह रहे थे, राम जी ने एहसास दिला दिया कि भैया तुम हमको नहीं लाए हो, हम तुमको लाए हैं, और अपनी औकात में रहो, पैजामे में रहो। और उधर आपने देखा होगा कि थी माफ़ी मांगो कर रही थी, उनको जनता ने कहा कि तुम माफ़ी मांगो और मुंबई जाओ, अब नहीं अमेठी बर्दाश्त कर पाएगा तुम्हें, और चली गई। और आप देख लेना आज शाम तक का ही खुशखबरी आएगी, और फिर आना आप लोग, मुँह मीठा होगा आप सबका। तो मुंह मीठा होगा यहाँ पर कहीं, ये खैर मुंह मीठा किसका होगा किसका नहीं होगा वो फिलहाल आने वाला समय बताएगा, पर यहाँ पर जो लड़ाई थी बड़ी महत्वपूर्ण थी, पर जो जनादेश आया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर जनादेश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बड़ा मजबूती से दिया गया है। सरकार किसकी बनेगी, एनडीए या इंडिया की, वो समय बताएगा, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में नहीं है। पर एक बात स्पष्ट है कि जनता ने जनादेश इस बार कुछ अलग मुद्दों पर दिया है, धार्मिक मुद्दों को अलग छोड़ जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, यहाँ पर जनादेश की बात यहाँ सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी कौन आगे निकल के गई है वो हमने देखा है, और कौन यहाँ पर पीछे रह गया है, किसके 80 सीट के दावों की या हवा निकल गई वो भी हमने देखा है। पर चूंकि यहाँ पर बात अब चुनाव की बात परिणाम की हो रही है, परिणाम सामने आ चुके हैं, सरकार किसकी बनेगी वो भी सामने आ जाएगा, पर प्रश्न हमेशा यही रहेगा कि यहाँ पर जमीनी मुद्दे, यहाँ अमर हुए मुद्दों को कौन खत्म करेगा, और जो अमर हुए मुद्दों को खत्म करेगा यहाँ पर परंपरा उसकी ही चलती रहेगी। इसी उत्साह और खुशी का जायजा लेने हमारी टीम कांग्रेस दफ्तर भी गई, जहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की मेहनत को सराहते हुए अपनी सरकार बनाने की बात कही। जो चला है राय अकेले, सारा जग उस पर हंसा है, और इतिहास भी गवाह है, उसी ने इतिहास रचा है। ऐसा ही कुछ इतिहास इस बार रचा गया है, जनादेश में, व्यवस्थाओं में, नीति में, रणनीति में। और हमने देखा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो आवाज उठाई थी, उस आवाज का यहाँ फायदा भी मिला, वो फायदा जो यहाँ परिणामों में सामने आया है। कांग्रेस कार्यालय उत्तर प्रदेश में यहाँ पर फिलहाल उत्साह का माहौल है, लोग उत्साह से लबरेज है, और जो बताते हैं कि अब आने वाला 27 चुनाव भी इतना आसान होने वाला नहीं है। क्या बोले जनादेश को, अलग जनादेश, अलग विचारधारा, अलग नीति। नहीं देखिए, पूरा जनादेश जो इस देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया, वो समर्थन इस बात का मिला है कि देश की रक्षा कोई कर सकता है तो इंडिया गठबंधन कर सकता है, हमारे नेता राहुल गांधी खड़गे साहब के नेतृत्व में हो सकता है। हमारे नेता ने कभी अपने सुख सुविधा की बात नहीं की, हमारे नेता ने जो बात की तो इस देश के संविधान की रक्षा के लिए कसम खाया, देश की बेटियों के सुरक्षा की कसम खाई, और देश का लोकतंत्र कैसे बचा रहा है इस बात की लड़ाई हमारे नेता ने की। हमारे नेता ने कभी हम दो हमारे दो की बात नहीं की, हमारे नेता ने कभी अपने देश की संस्थाओं को बेचने की बात नहीं की। हमारा नेता इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए उतारू है, उसकी अगुवाई में हमारे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपने नेता के आदेश पर सड़कों पर हैं, और चाहते हैं कि इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को, जो मोदी सरकार ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया था, उस व्यवस्था को सुधारते हुए हमारे नेता की अगुवाई में, इंडिया गठबंधन की अगुवाई में इस देश को सुरक्षित हाथों में रखा जाए। नहीं तो जब हम नहीं रहेंगे तो देश हमारा नहीं रहेगा, तो हम रहकर क्या करेंगे, संविधान नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे नौजवानों का क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हे मोदी जी, आपने 10 सालों में इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, लेकिन अब इससे छुटकारा मिलने जा रहा है, ऐसे हम कार्यकर्ताओं को उम्मीद है अपने नेता के भरोसे। सवाल आपसे लूंगा, वजह क्या रही बीजेपी के नुकसान की और कांग्रेस के फायदे की? नहीं, वजह ये रही कि फिर बिंद पर आइए आप, हमारे नेता ने देश के मुद्दे की बात की है, देश के लिए जीने मरने का काम किया है, उससे कहीं इतर उतर नहीं हुए हैं। और जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों या सामान्य वर्ग के उन लोगों ने जो भरपूर समर्थन देने का काम किया, वो देश हित में किया है, और उनको विश्वास है कि अब इंडिया गठबंधन इस देश को सजाए और संवारे रखने में अपनी पूरी ताकत लगाएगी, और उसी के हाथ में देश सुरक्षित रह सकता है, तभी हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा, तभी हमें रोजगार मिलने का काम क्या करेगा? कहेंगे बड़ा जनादेश, बड़ा परिणाम, लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और यहाँ पर चुनाव हुए, परिणाम आपके सामने है, जनादेश आपके सामने है।
देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि मोदी जी का एक स्पीच हुआ था कि हम तुम्हें 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, तुम हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, तो एकदम ये उल्टा है। हमारी कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता होती है तो जब ये किसी को सरकार में रहते हुए सुविधाएं मुहैया कराती है तो कांग्रेस पार्टी जनता का अपने ऊपर कर्ज समझती है और जनता के लिए अपना फर्ज समझती है, तब वो किन्हीं सुविधाओं और सुविधाओं को एहसान नहीं करती है। लेकिन इन्होंने 80 करोड़ को राशन देकर नाकामी को उपलब्धि बताई और उसके बाद इस नाम पे जो है मतलब वोट भी मांगा, तो यही फर्क रहा, जनता जान गई। और राशन देने की बात तो आपने भी की है भाई, स्कीम तो हमारी ही थी लेकिन हम एहसान नहीं करते थे, हम जनता को देना अपना फर्ज समझते हैं, हम सरकार में हो, ये मेरी जिम्मेदारी होती है और हम कोई अपने पैसे से नहीं देते हैं, ये जनता के टैक्स से ही होता है, लेकिन ये है कि उन पैसों का सही से इस्तेमाल किया जाए, एहसान न बताया जाए, एहसान न। क्या फूड सिक्योरिटी बिल हमारी सरकार लाई थी, उसके अंतर्गत हम लोगों को राशन देने की जो योजना थी वो चलाई गई, मगर इन्होंने उस राशन योजना को एक गुब्बारा बना के 80 करोड़ लोगों को दिखाया, मगर क्या 80 करोड़ लोगों को उस राशन की आवश्यकता थी, नहीं थी, ये बात आप के आंकड़े चाहे आप न्यूज़ मीडिया आप खुद चेक कर सकते हैं। इन्होंने सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया, 5 किलो की राशन की स्कीम ला के इन्होंने लोगों को बेकार कर दिया, लोग जाके राशन लेते थे और बेच देते थे, उस स्थिति में आज आप ये देख लीजिए कि उसका जो रिएक्शन हुआ, जो दलित समाज था उसने राहुल जी की बात सुनी, उस राशन या उसकी बात नहीं सुनी इनकी, उन्होंने उसने सोचा कि अगर देश में संविधान ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए पूरा दलित वोट हम लोगों की तरफ ट्रांसफ़र हुआ, जिसके नतीजे आपको दिख रहे हैं। क्या बोलेंगे, जनादेश राय नीति विचार? देखिए, जनादेश तो क्लियर है कि इस देश की जनता मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इन मुद्दों से बहुत ऊपर उठ चुकी है, अब इस देश को चाहिए तरक्की, देश की खुशहाली, रोजगार और तमाम विकास कार्य, तो यही एक कारण था। यूथ, हम जैसे जो यूथ हैं जिनको मोदी जी कहते थे आप ठेला लगाइए वो भी रोजगार है, उन चीज़ों से उठ के पहली पक्की नौकरी की गारंटी हो या वो अग्निवीर को ख़त्म करके परमानेंट भर्ती की नौकरी की बात हो, इन चीज़ों के ऊपर पब्लिक ने वोट किया है और उसी का हमको जनादेश मिला है। तमाम चुनाव देखे होंगे, सरकार बनती बिगड़ती देखी होंगी, जिस बार जनादेश आया है उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 साल इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और 10 साल मोदी जी की सरकार थी, लोगों ने कंपैरिजन किया कि उन 10 सालों में हमें क्या मिला, जहां सबसे निचला आदमी जो मजदूर था उसको 50 रुपये से मनमोहन सिंह ने 300 रुपये पर छोड़ा था, और इन 10 सालों में वो 300 रुपये वाला मजदूर की मजदूरी कितनी बड़ी आप आकलन कर सकते हैं, नौजवानों के साथ बेरोजगारों के साथ जो हुआ उसका आकलन आप कर सकते हैं, तो दोनों लोगों ने कंपैरिजन करने के बाद में कांग्रेस के उस 5 न्याय और 25 गारंटी पर भरोसा किया और लोगों ने, चाहे वो बेरोजगारी वा रहा हो, चाहे श्रमिक रहा हो, चाहे महिला रही हो, चाहे हमारा नौजवान रहा हो, सबने कांग्रेस के उस घोषणा पत्र पर भरोसा किया जो कांग्रेस की गारंटी थी, और चूंकि 10 साल में उन्होंने आपस में मिलाया कि दोनों के कार्यकाल में कौन झूठा है कौन सच्चा है, इस नाते लोगों ने इंडिया गठबंधन को, राहुल जी की मेहनत को और खड़गे जी के वादे पर भरोसा करके इस गठबंधन को जिताया है, और लोगों को भरोसा है कि यही हिंदुस्तान में अमन चैन और खुशहाली ला सकते हैं, बाकी लोग धर्म जात की राजनीति में पढ़ करके किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। एक साथी और है, उनकी राय भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर राय जानना बहुत ज़रूरी है, वही जनता जनार्दन जिसने यहाँ पर वोट दिया, जनादेश दिया। देखिए, ऐसा है कि पहले जब इन्होंने जो गारंटी इसके पहले वाले चुनाव में दी थी उसमें कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 10 साल इनकी सरकार रही 20 करोड़ रोजगार, अगर 20 करोड़ रोजगार दे दिए होते तो कोई घूम रहा होता, टहल रहा होता, पकौड़ा बेचने की ज़रूरत पड़ती, ये केवल झूठ मक्कारी की सरकार चलाते रहे और इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, सिलेंडर के दाम आप देख ही रहे हैं, सिलेंडर राजस्थान में 500 में देंगे, यहाँ 1000 में देंगे, दोहरे कैसी व्यवस्था चलाना चाहते हैं, इसीलिए जनता ने जनादेश दिया है कांग्रेस को, और देखिएगा सरकार बना रहे हैं हम लोग और व्यवस्थाएं बदलेंगी और सारी व्यवस्था ठीक होगी। तो यहाँ पर ने राय जानी यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, पदाधिकारियों की, जो यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि जो हमने मेहनत की उसका यहाँ पर परिणाम जनता ने दिया है, जनता जनार्दन है वो जानती है किसको कब क्या देना है, और यहाँ पर बीजेपी की नीति
और व्यवस्थाओं से सभी लोग परेशान थे। आने वाले समय में सरकार किसकी बनती है वो आने वाला समय बताएगा, पर एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो उत्साह मिला है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत बड़ी संजीवनी मिली है, जिसका लाभ इनको आने वाले चुनावों में भी मिलता रहेगा। बैठेंगे विपक्ष में या सत्ता पक्ष में वो फिलहाल भविष्य के क्रम में नहीं थे, पर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था, दिलचस्प था, और यहाँ पर जनादेश भी उतना ही दिलचस्प भी आया है। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीरीज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।